लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। इस एक ट्रेस ने की चार शादियां, अब ऐसी बन गई है जिंदगी। मुंबई, भारत में आम तौर पर शादी को लेकर ऐसी परंपरा रही है कि मर्द एक बार शादी करता है और पति पत्नी के बीच सात जन्मों का नाता जुड़ जाता है। हालांकि कुछ मामलों में सात जन्मों का नाता कुछ महीने या कुछ साल में ही टूट जाता है। ऐसे में कुछ लोग फिर से किसी दूसरे मर्द या औरत के साथ सात जन्मों का नाता जोड़ते हुए फिर से शादी के पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। लेकिन अगर इसी शादी के पवित्र बंधन की बात बॉलीवुड यानी फिल्मी दुनिया के सितारों के लिए की जाए तो यहाँ कई ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने पहले जन्म में ही कई बार सात जन्मों तक साथ निभाने की कसम खा चुके हैं। यानी ऐसे कलाकार एक दो नहीं बल्कि कई शादियां कर चुके हैं। आज आपको ऐसी ही एक अभिनेत्री के बारे में बता रहे हैं जिनको लेकर कहा जाता है कि उन्होंने चार शादियां की है। दरअसल हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी मूल की अभिनेत्री जेबा बख्तियार, जिन्हें आप अभिनेता ऋषि कपूर के साथ हिना फिल्म में देख चुके हैं। इसी फिल्म ने उन्हें फिल्म जगत में खास पहचान दिलाई। हालांकि कुछ समय से बाद ही वे बॉलीवुड से गायब हो गई। पाकिस्तानी मूल की जेबा बख्तियार टीवी अभिनेत्री के तौर पर भी अपनी पहचान बनाई। फिल्मी सफर में काफी उतार चढ़ाव का सामना करने वाली जेबा बख्तियार की जिंदगी में भी कई उतार चढ़ाव आए। ऐसे में अगर आप इनकी शादी की बात करते हैं तो इन्होंने पहली शादी सलमान वालियानी से की, जिनसे इनकी एक बेटी भी हुई, लेकिन ये शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चली सकी और इनका तलाक हो गया। सलमान वालियानी से तलाक के बाद उन्होंने दूसरी शादी मशहूर गायक अदनान सामी से की, जिससे एक बेटा अजान हुआ, लेकिन ये शादी भी 2 साल के अंदर खत्म हो गई और इनका फिर से तलाक हो गया। जिसके बाद इन्होंने तीसरी शादी अभिनेता जावेद जाफरी से की, लेकिन जेबा इस शादी से साफ इनकार करती रही। लेकिन जावेद के जब निकाहनामा दिखाया तो ये बात भी खुलकर सामने आ गई। ये वो दौर था जब बॉलीवुड में जेबा बख्तियार का करियर अधर में दिख रहा था, लिहाजा वे पाकिस्तान चली गई, जहां उन्होंने सोहेल खान लिघारी के साथ शादी की। हाल के दिनों में वे पाकिस्तान में ही अपनी डेली सोप डायरेक्शन के साथ जुड़ी है।